इस तरह से आपको चार स्टेप फॉलो करने हैं मैं एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन करती हूँ सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और एक विजिंग साउंड इस तरह की एक साउंड जो है वो हम सुन पाते हैं इतने समय में सांस लिया उससे डबल टाइम में हमें सांस छोड़ना है अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अटैक कभी भी कहीं पर भी किसी को भी आ जाता है छोटे बच्चे जवान बूढ़े हम काम पर हैं घर पर हैं बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में हैं कहीं पर भी उनको आसमा का अटैक आ जाता है और उस समय यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे आसपास कौन है कोई हमारी हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा तो उस कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम हैं और हमारा अस्थमा का अटैक है और उस समय सिचुएशन को हैंडल करने का सारा ओनर सारी जिम्मेवारी भी हमारी अपनी होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं लेकिन इसके पहले हम ये समझते हैं कि आसमा होता क्यों है और इसको ठीक करने के लिए ढेरों चीजें लोग करते हैं कोई रोज पफ लेते हैं ढेरों दवाइयां खाते हैं इंजेक्शन लगते हैं स्टेरॉइड्स पे रहते हैं लोग लेकिन इवेंचुअली होता कुछ नहीं हमें इसके साथ ही जीना पड़ता है और धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी जो है वो ओवरलो होती जाती है तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जो कि अमेरिकन लंग एसोसिएशन जो है वो बच्चों को वहां छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है उनको डेली ट्रेन किया जाता है तो पांच मिनट की ऐसी ट्रेनिंग जो डेली अगर हम करें तो हम अपने आसमा के अटैक को कंट्रोल करना सीख जाएंगे इमीजिएटली क्या करना लेकिन यह हम कर तभी सकते हैं जब हमने इसकी पहले प्रैक्टिस की हुई होगी तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या टेक्निक है जो अमेरिकन लंग एसोसिएशन वहां के स्कूली बच्चों को भी सिखाती है अगर हमें सिम्टम्स लगते हैं ज्यादातर क्या होता है कि कुछ भी एटमोसफेयर में कोई एलर्जन है या फूड में कोई ऐसी एलर्जी आ गई जैसे कि ज्यादातर जो है एक टर्म है रेस्टोरेंट अस्थमा यानी कि रेस्टोरेंट्स में गए वहां पे कोई ऐसा फूड खाया जिसमें कि कोई प्रिजर्वेटिव थे या कोई ऐसे एलर्जन थे कोई उसमें ऐसे टेस्ट थे जो कि एलर्जी का काम करते हैं इरिटेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को क्योंकि इसका एक रीजन और भी है वो है हमारा लंग और हमारे गट का जो एक एक्सेस है ये गट लंग एक्सेस बिल्कुल गट ब्रेन एक्सेस की तरह ही बहुत स्ट्रांगली जो है ये काम करता है तो जैसे ही गट में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है जैसे ही गट में माइक्रोबायोम अफेक्ट होता है या कोई ऐसा फूड हम खाते हैं जो एलर्जी क्रिएट करता है तो वो तुरंत से हमारे लंग्स पे अफेक्ट करता है और होता क्या है जो हमारे ब्रोंक्योल्स हैं या जिन जो हमारी सांस लेने के बलून्स हैं या सांस लेने की जो पाइप्स हैं, जिनके साथ आगे बलून जैसे स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं उस वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और एक विजिंग साउंड इस तरह की एक साउंड जो है वो हम सुन पाते हैं तो ऐसा का अटैक इस तरह से शुरू होता है तो जिन लोगों को ऐस्मा है या सीओपीडी है पोस्ट कोविड सीओपीडी बहुत सारे लोगों को आजकल हो रखी है तो उन लोगों को कुछ पहले सिम्टम्स पहले साइंस सिग्नल्स जिसको हम कहते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं अटैक से पहले तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है और जिस चीज की हमें पहले प्रैक्टिस करनी है तो अमेरिका में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जैसे ही आपको ये लगे कि आसमा का अटैक आने वाला है या कुछ ऐसी चीज है जो इरिटेट कर रही है लंग्स लंग को तो तुरंत से पहले सीधे खड़े हो जाए सीधे खड़े होके हमने पहला स्टेप है सीधे खड़े होना दूसरा स्टेप है अपनी जो चिन्ह है उसको ऊपर की तरफ को पॉइंट कर देना तीसरा स्टेप है अपने दांतों को जोर से भींच लेना चौथा स्टेप है अपनी मुठ्ठियों को जोर से बंद कर लेना हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेना है कोहनिया बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए लॉक कर लेनी है कोहनिया अपने शरीर का हर मसल टाइटन कर लेना है घुटने लॉक होने चाहिए हमारे पैर हमारे जो काफ मसल्स हैं तो पूरा शरीर इस तरह से करके हमने लॉक करके रखना है पूरा शरीर हमारा इस तरह से करके लॉक करके रखना है ये ऊपर की तरफ को रहेगा चिन्ह दांत भीचे हुए रहेंगे मुठिया भीची हुई रहेंगी जो हमारी एल्बोज है ये लॉक्ड रहेंगे बिल्कुल पूरी बॉडी एकदम बिल्कुल जैसे रॉ नूडल होता है यानी कि जो कच्चा नूडल होता है जो पक्का नहीं होता जिस तरह से वो सीधा होता है बिल्कुल उसी तरह से हमने बिल्कुल सीधा होना है तीन सेकंड तक ऐसे रहना है तीन सेकंड तक और तीन सेकंड के बाद तुरंत ही हमें क्या करना है तुरंत ही बैठ जाना है किसी कुर्सी पर और एकदम से गीले नूडल की तरह बन जाना है जो पका हुआ जो उबला हुआ नूडल होता है तो वो बिल्कुल ढीला होता है उसको जैसे छोड़ेंगे वैसे ही बिल्कुल अपने बॉडी को आप ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल ढीला बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अगर आप ऑफिस में हैं कहीं है कुर्सी है तो ठीक है नहीं तो जमीन पर लेट जाना है बिल्कुल ढीली बॉडी छोड़ के बिल्कुल इस तरह से और सांस ऐसे लेना है बिल्कुल रिलैक्स करके अपना कोई बॉडी का अंग हमें हिलाना नहीं है और इस तरह से हमें ब्रीद करना है जैसे हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं तो ये एक टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस अमेरिकन लंग एसोसिएशन बच्चों को करवाती है रोज पांच मिनट अगर हम ये प्रैक्टिस डेली फाइव मिनट्स करते हैं तो हम अपने आस्थमा के जो सिग्नल है अटैक आने के पहले से सिग्नल है उसको हम पहले ही जज करके और हम अपने अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए अगर आपको एसमा है या फिर आपको जो है सीओपीडी है अब पोस्ट कोविड सीओपीडी का भी एक अपने लंग्स को ट्रेन करने का भी एक प्रोटोकॉल है आइए अब उसके बारे में बात करते हैं तो वो एक थ्री स्टेप प्रोटोकॉल है अगर आपको पोस्ट कोविड सीओपीडी है उसमें भी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है बड़ी आसान है मैं वो बताती हूँ आपको फिर से खड़े होके सबसे पहली टेक्निक है कि पूरी चेस्ट को फैला के अपने हाथों को साइड पे ले जाइए और नाक से सांस अंदर खींचना है पूरा पेट भर के ऐसे सांस लीजिए और थोड़ी देर रुकिए वहीं पर और फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए हमने अपने हाथों को चेस्ट के आगे इस तरह से ले आना है ये है पहली टेक्निक इसका दूसरा जो टेक्निक है वो है एबडोमिनल ब्रीथिंग जब हम एबडोमिनल ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा डायफ्राम मूव करता है जब हमारा डायफ्राम मूव करता है तो वो हमारी डीप ब्रीदिंग होती है उसमें क्या होता है हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है यानी कि हमारे लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलती है एक्सपैंड करने के लिए तो वो लंग्स को एक ट्रेन करने की ये प्रोसेस है तो इसके लिए क्या करना है अपने हाथ अपने पेट पे रख लीजिए और नाक से सांस लेके पेट भर के सांस लेनी है पेट भर के सांस लेनी है लंबी सांस लीजिए पेट को बाहर को फुला के हाथों से आपको फील होना चाहिए कि मेरा पेट फूल गया है और फिर मुंह से सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे सांस छोड़ना है जितने समय में सांस लिया उससे डबल टाइम में हमने सांस छोड़ना है और पेट अंदर पे जाएगा अंदर पे चरता जाएगा फिर से लीजिए याद रखिए हर हाँ टेक्निक को करने से करने के टाइम इनहेल करने के बाद हमने कुछ सेकंड उसको होल्ड करना है तो ये हम अपने लंग्स को एक तरह से ट्रेन करने हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ सके तीसरी टेक्निक इसी सिलसिले में तीसरी टेक्निक है अपने दोनों हाथों को जोर से पेट के साथ ऐसे करके जो है एकदम से सटा लीजिए और जोर से हमने इसको दबा के रखना है पेट को दबा के रखते रहिए रेजिस्टेंस ब्रीदिंग है This is लेकिन आपने सांस लेना है तो सांस लेना है ये तीन जो सिंपल स्टेप्स है पहला दूसरा डायफ्राइम ब्रीदिंग तीसरा ये जो हमारी आर्म्स है ये क्लिंस्ड रहेंगी हमारे अब के पास और हमें प्रेशर रेजिस्टेंस ब्रीदिंग करना ये जो तीन स्टेप्स है इनको करते करते हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं आपको याद होगा पहले बच्चों को बलून दिए जाते थे फुलाने के लिए गुब्बारे दिए जाते थे बच्चे मुंह से उसको जब फुलाते थे तो पूरा लंग्स का जोर लगता था उनके पूरे अब का जोर लगता था वो पूरे जोर से जब वो गुब्बारों को फुलाते थे तो उनके लंग्स की एक्सरसाइज होती थी लेकिन आज हम वो काम किससे करते हैं पंप से करते हैं कि बच्चे का मुंह दुख जाएगा लेकिन इस चक्कर में हम उनके लंग्स को वीक करते जा रहे हैं तो ये जो हम गलती कर रहे हैं इसको हम आज भी सुधार सकते हैं तो बच्चे को अगर एसमा है ब्रोंकाइटिस है कुछ भी एलर्जी है चाहे नहीं है तो भी अपने बच्चों को बेलून्स फुलाने के लिए दीजिए अपने सुपरविजन में हम करवा सकते हैं बच्चों को कि हमारी देख रेख में वो करें तो वो जब मुंह से बलून फुलाएंगे तो उससे उनकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी बड़े भी ये टेक्निक कर सकते हैं बड़े भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं एलर्जिक रिएक्शन या इन्फेक्शन की वजह से हमारा ये जो लंग्स है उनके अंदर म्यूकस बहुत सारा भर जाता है म्यूकस जो है वो इकट्ठा होकर स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है और सांस लेने के लिए जगह नहीं बचती तो बहुत जरूरी होता है कि उस स्थिति में उस कफ को बाहर निकाला जाए तो उस कफ को बाहर निकालने के लिए पहले उसको ढीला करना जरूरी है उसको लूजन करना जरूरी है एक तो टेक्निक है है कि पर ये जो है ऐसे हाथ करके हम लोग जो है कपिंग करते हैं तो भी जो कफ है वो म्यूकस जो है वो लूजन हो जाता है और उसके बाद उसको हम बाहर निकाल सकते हैं एक टेक्निक मैं आपको आज और सिखाने वाली हूं जिससे आप बिना किसी की मदद से क्योंकि पेट पे टैपिंग करने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए लेकिन ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाली हूँ इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है ये टेक्निक बहुत सिंपल है आप खुद ही कर सकते हैं इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आपको चार स्टेप फॉलो करने हैं मैं एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन करती हूँ सबसे पहले उल्टा लेट जाना है मुंह के बल लेटना है मुंह के बल लेटने के बाद आपको कुछ सेकंड उस तरह से लेटने के बाद आप राइट साइड पर लेटेंगे और जो लेफ्ट कंधा है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे कुछ सेकेंड इसी स्थिति में रहना है फिर लेफ्ट साइड पर लेट के सीधे बेड पर ही लेटना है पहले उल्टा लेटे फिर राइट right साइड पर लेटे फिर लेफ्ट पे लेट के राइट कंधा उठा लेना है बिल्कुल जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं सेकेंड uh, स्टेप में उस तरह थर्ड स्टेप ये है कि इनक्लाइंट आपको लेटना है इनक्लाइंट लेट के अपने दोनों जो हाथ हैं वो इस पिक्चर की तरह सिर के पीछे कर लेने हैं और अपने पैरों को मोड़ लेना है बिल्कुल इस पोजीशन में उसके बाद आपको इसी इनक्लाइंट सरफेस के ऊपर पहले राइट लेटना है फिर लेफ्ट लेटना है और इसके बाद उठ के बैठ जाएं और खांसी करके जो वो कफ ढीला हो गया जो म्यूकस ढीला हो गया है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये एक टेक्निक है जो हम खुद कर सकते हैं उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए तो नेबुलाइजर लेके या और कुछ कुछ मेडिसिन यूज करने के बजाय अपने आप खुद किसी की मदद के बिना इस टेक्निक से हम अपनी चेस्ट में जमे हुए म्यूकस को भी बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी टेक्निक जो है लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की वो है शंख बजाना तो शंख बजाने के पे भी हमारे पूरे लंग्स की जो है वो एक्सरसाइज होती है तो ज्यादातर ये सुबह सुबह शंख बजाया जाता था क्योंकि सुबह का टाइम लंग्स को ट्रेन करने का बेस्ट टाइम है तो इसलिए कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम लंग्स को ट्रेन करने के लिए करना चाहते हैं वो हमें सुबह सुबह करनी चाहिए वो सबसे बेस्ट टाइम होता है और एक लास्ट चीज अगर हम कहीं सब सफ, सफर कर रहे हैं मतलब हम कहीं जर्नी कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं हमारे पास ना बलून है ना शंख है ना हमारे पास कोई ऐसी जगह हम ट्रेन में बैठे हैं हम गाड़ी में बैठे हुए हैं उस समय हम कोई ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे तो उस समय हम क्या करना है अपने हाथों का इस्तेमाल करना है अपने हाथों को इस तरह से इस तरह से बिल्कुल हर तरफ से जोर से दबा लीजिए देखिए ध्यान से देखिए यहां से भी पूरा बंद कहीं से कोई रास्ता नहीं होना चाहिए केवल ये जो दो उंगलियां हैं और जो ये अंगूठे हैं इनके बीच में यहां पे एक छोटा सा हमें छोटा सा हमें रास्ता छोड़ना है सांस भरने के लिए बिल्कुल पीछे से बंद है ऊपर से उंगलियां टाइट है नीचे से भी कोई जगह नहीं है पूरा हाथ लॉक्ड है और केवल उंगलियों और अंगूठों के बीच में एक छोटा सा छेद हमें नजर आ रहा है और अपने होठों को इसमें सेट करके हमने पहले सांस भर लेनी है, और फिर इसमें छोड़नी है मुंह से इस जब हम ये करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम सांस इसमें भर नहीं पा रहे क्योंकि कहीं से हवा निकलने की जगह नहीं है टेक्निक हम कहीं पर भी कर सकते हैं जब भी हम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो याद रखिए हमें अपनी सांस बाहर छोड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए इस चीज का हमने ध्यान रखना तो वो हमारी नेचुरल ब्रीदिंग हो जाएगी जितना हो सकता है ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करते जाइए और धीरे धीरे करके आप खुद नोटिस करेंगे कि कैसे आप तुरंत से आस्थमा के अटैक को भी रोक सकते हैं और अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं सीओपीडी के पेशेंट्स जो हैं वो भी इस टेक्निक से अपने लंग्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं पफ्स से इंजेक्शन से इमरजेंसी से, से आईसीयू से तो ये सिंपल टेक्निक जो है इनको अपने जीवन का हिस्सा बना बनाएं और अस्थमा सीओपीडी और ऐसी जो ब्रीदिंग इमरजेंसीज हैं उनसे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं थैंक यू